चौरी चौरा थाने की पुलिस टीम ने बैतालपुर डिपो से आने जाने वाले टैंकरों से पेट्रोल व डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस धंधे में लिप्त टैंकर चालक व एक दुकानदार को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला कि नेपाल, बिहार के अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में इनका नेटवर्क है और ये चोरी के तेल को ट्रक वालों को सस्ते में बेच दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले तीन टैंकर, एक जीप और एक बाइक को सीज कर दिया। साथ ही 140 लीटर डीजल, 60 लीटर पेट्रोल व चोरी करने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवरिया के रुद्रपुर निवासी टैंकर चालक उपेंद्र व गौरी बाजार निवासी दुकानदार मिठू के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी, एसएसवी मानुष पारिक व सीओ चौरी चौरा ओंकार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सतहवा ठाला चौराहे पर टैंकरों से बड़ी मात्रा में तेल चोरी की जा रही है। सूचना पर पुलिस गई तो एक टैंकर चारदीवारी से निकलते हुए मिला, उसे पकड़ा गया। जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहां दो टैंकर से कुछ लोग तेल निकालते मिले। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद 15 से 20 लोग फरार हो गए। मौके से तीन टैंकर, एक जीप और एक बाइक सीज कर दी गई। मौके से चोरी के तेल व उपकरण भी बरामद किए गए। टैंकर चालक उपेंद्र व दुकानदार मिठू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इनका गिरोह नेपाल, बिहार के अलावा पूर्वांचल के जिलों में फैला है, जहां ये तेल सप्लाई करते हैं। ये लोग तेल चोरी कर पेट्रोल पंप से 5 से 10 रुपया सस्ता ट्रक वालों और आम लोगों को बेचते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, आज दिन में थाना चोरी चौरा में एक सफलता मिली चोरी चौरा पुलिस को, जिसमें तीन टैंकर से तेल चोरी करने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिट्टू लाल और उपेंद्र कुमार हैं। इसमें ये लोग टैंकर से तेल निकाल करके और फिर उसको बेचते थे। जो इसकी प्रक्रिया सामान्य तौर पर होती है, वो ओटीपी के माध्यम से जो उसका लॉक है वो खुलता है नीचे पाइप का, और उससे वो तेल निकाला जाता है। लेकिन इन लोगों ने इसका एक वाया मीडिया निकालते हुए और ऊपर जो मैन होल रहता है राड से उसको उठा के और उसमें पाइप डाल के और उससे तेल निकाल के उसकी चोरी करते थे, उसको बेचते थे। तो ये जब सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई तो थाना चोरी चौरा की टीम द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई है। इसमें लगभग 200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ, जिसमें डीजल और पेट्रोल शामिल है, उसको पकड़ा गया। ये इस बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। वैसे काफ़ी पुराने समय से ये इस कार्य में लिप्त हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। बीच बीच में इन पर कार्रवाई भी हुई है और इनका आपराधिक इतिहास देख करके उसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। अब ये आपराधिक इतिहास इनका देखा जा रहा है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। सर, ये ड्राइवर मिले रहते हैं क्या इसमें? हाँ, जो टैंकर के जो जितने भी कर्मचारी हैं सभी कुछ ना कुछ भूमिका उसमें निभाते हैं। हाँ, जांच में जो भी जिसकी भी संलिप्तता होगी उसकी सबकी गिरफ्तारी होगी, इसमें कार्रवाई होगी।